इंडस्ट्री में अधिकतर लोग सलमान खान यानी कि भाईजान की बात को टालने से इनकार करते हैं, उनकी हर कही बात को पत्थर की लकीर मानते हैं। लेकिन असली रेबेलो एक ऐसे इंसान हैं जो सलमान खान से अपनी बात मनवाते हैं। जी हाँ, असली ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में सलमान खान के बारे में कई बातों का खुलासा किया। वेल, आपको बताना चाहेंगे, बॉलीवुड स्टार सलमान खान की पर्सनल स्टाइलिस्ट एस्ले का कहना है कि हालांकि दबंग स्टार अपने लिए सिंपल परिधान ही पसंद करते हैं, लेकिन अपने स्टाइलिंग और हमेशा अपने डिज़ाइनर पर ही छोड़ देते हैं, जिस पर वह आंख मूंद कर पूरा पूरा भरोसा करते हैं। रेबेलो एक दशक से अधिक समय से सलमान संग जुड़े हैं। उन्होंने बिग बॉस के लिए भी सलमान की स्टाइलिंग की है। रेबेलो ने IANS को बताया, सलमान खान को आने वाली फिल्म दबंग 3 की काफ़ी मज़ेदार है, ऐसे में यह मूड उनके कपड़ों के साथ भी मैच होना चाहिए। रेबेलो ने आगे बताया कि वह सुनिश्चित तौर पर अपने यूनिफॉर्म पहन रखे हैं, लेकिन इसके अलावा वह फॉर्मल और ट्राउजर में भी नजर आएंगे और फिल्म के गानों में वह रंग बिरंगे शर्ट्स पहने नजर आएंगे। सोनाक्षी भी कलरफुल साड़ी में नजर आएंगी और दोनों को इस तरह के कपड़ों में डांस करते हुए देखा जा सकता है। यह पूछने पर कि क्या सलमान खान ने कभी खरीदी की है, इस पर रेबेलो का कहना है कि है कभी कभार हमारे साथ, खासकर अगर हम देश के बाहर हैं तो शॉपिंग हम साथ में करते हैं। उन्होंने कहा, उन्हें हमेशा रजामंदी की तलाश रहती है और मुझसे इस तरह के सवाल पूछते हैं, जैसे कि क्या तुम्हें ये पसंद है, मुझे ये अच्छा लग रहा है। वह मेरी राय लेते हैं। जहां तक बात रही फिल्म या पब्लिक रिप्रेजेंस की, तो वह इसे पूरी तरह से मुझ पर छोड़ देते हैं। मैं इन्हें उनके बिस्तर पर रख देता हूँ, वह आँख बूंद कर इसे पहन लेते हैं। मुझे उनकी यह बात पसंद है, अपने डिज़ाइनर पर यकीन करना। रेबेलो ने कई और सेलिब्रिटीज़ की भी स्टाइलिंग की है, जिनमें साल 2019 में आई फिल्म भारत में कैटरीना कैफ का लुक भी शामिल है। पिछले हफ्ते पश्चिम दिल्ली में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग के लॉन्चिंग से इतर उन्होंने इस बारे में बात की थी। फिल्म अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।